फरवरी 2022 से शुरू हुई रूस यूक्रेन जंग ने 2 साल से ज्यादा के अपने सफर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। इस दौरान शांति की तमाम कोशिशों को दरकिनार कर इन दोनों देशों ने जंग में एक दूसरे पर हमला करना जारी रखा। रूस अपने विशाल सैन्य बल और एडवांस हथियारों के दम पर इस जंग में बना हुआ है, तो वहीं यूक्रेन के साथ अमेरिका और नाटो जंग में बराबरी के साथ खड़े हैं। 2 साल से जारी इस जंग में रूस और यूक्रेन के लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं, फिर भी ये जंग अपने निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंची। इस जंग को कभी ज़ेलेंस्की के नाटो में शामिल होने की जिद को बताया गया, तो कभी इसे पुतिन की मनमानी का नाम दिया गया। इस जंग में जिस तरह से नाटो ने यूक्रेन की मदद की, उससे पुतिन अब नाटो के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। पुतिन ने पहले भी कई बार चेतावनी दी है कि पश्चिम को रूस यूक्रेन युद्ध में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन पश्चिमी खेमा रूस को ही इस जंग में किनारे लगाने की फिराक में है। लेकिन ऐसा कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के साथ साथ अब रूस नाटो के साथ भी जंग छेड़ सकता है, जिसका सीधा सा मतलब होगा तबाही। ये जंग दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर ला देगी और शायद इस खतरे को रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव भांप गए हैं। जी हां, मेदवेदेव ने अपने एक बयान में कहा कि यूक्रेन का नाटो ब्लॉक में शामिल होना रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा होगी और इस वैश्विक तबाही को गठबंधन की समझदारी से ही रोका जा सकता है। यूक्रेन का नाटो में शामिल होना रूस के लिए सुरक्षा खतरे से कहीं अधिक होगा। इस तरह से जितने अधिक प्रयास होंगे, हमारे जवाब उतने ही कठोर होंगे। इतना ही नहीं, मेदवेदेव ने कहा कि अब सब कुछ अमेरिका और नाटो के हाथों में है। इस दौरान उन्होंने अमेरिका पर तंज कसते हुए कहा कि रूस के लिए कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि महत्वपूर्ण निर्णय नाटो के सदस्य देशों द्वारा नहीं बल्कि अमेरिका द्वारा लिए जाते हैं। मेदवेदेव की नाटो के लिए समझदारी दिखाने वाली बयान तब सामने आया है जब हाल ही में वॉशिंगटन में हुए नाटो के शिखर सम्मेलन में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको ने भी ऐसा बयान दिया जो कि मेदवेदेव की टिप्पणी से मेल खाता है। दरअसल रॉबर्ट फीको ने भी कहा था कि यूक्रेन का नाटो में शामिल होना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष को बढ़ावा देगा और ये गारंटी के साथ तीसरे विश्व युद्ध को चिंगारी देने का काम करेगा। इसका एक बड़ा कारण है अमेरिका और नाटो का लगातार यूक्रेन की मदद करना। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पुतिन यूक्रेन की मदद करने वाले सहयोगियों से खा खाए बैठे हैं और भविष्य में होने वाली खतरनाक जंग को देखते हुए वो पूरे प्लान के साथ इस पर काम भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में 11 जुलाई को मेदवेदेव ने यूक्रेन और नाटो को भारी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, या तो नाटो या फिर यूक्रेन, किसी न किसी को समझदारी दिखानी पड़ेगी। यूक्रेन को नाटो में सदस्यता देने की बात पर उन्होंने कहा था, हमें यह सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ करना होगा कि नाटो की ओर यूक्रेन का फैसला बदले, या तो जंग यूक्रेन के गायब होने या नाटो के गायब होने के साथ समाप्त हो। बेहतर है दोनों के गायब होने से हो। बता दें कि कुछ ऐसी ही बात नाटो के शिखर सम्मेलन में तुर्की ने भी कही थी। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने यूक्रेन के चलते रूस और नाटो के बीच तनाव बढ़ने की चेतावनी दी थी और कहा था कि यूक्रेन को मजबूत करने के लिए कूटनीति भी एक विकल्प होना चाहिए। अब बात साफ है कि अगर यूक्रेन की वजह से नाटो और रूस के बीच जंग छिड़ी, तो ये दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जाएगी।